हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग वीडियो कर लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में एक्चुअली मैंने मेंशन किया था कि जब किसी ने अवार्ड्स का जिक्र किया था एंड मैंने मेंशन किया था कि मेरे डैड का फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मैंने कलेक्ट किया था। तो ये जो फिल्म फेयर अवार्ड था, इट वॉज द 43rd फिल्म फेयर अवार्ड। अब मुझे याद नहीं कौन से ईयर में हुआ था, कौन से साल का वीडियो है, आई डोंट रिमेम्बर, कौन से साल का फंक्शन है, दैट आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन उस दिन जिस दिन अवार्ड फंक्शन होने वाला था, उस दिन मेरे डैड का शो था एंड ही कुड नॉट मेक इट। वो नहीं जा पाए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जीतेंगे अवार्ड, बिकॉज आई थिंक उनकी बहुत अच्छी फिल्म अरे दीवाना मस्ताना के लिए उनको अवार्ड मिली थी, मिला था अवार्ड, एंड ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू विन। एंड आई थिंक कॉम्पिटिशन में कोई इतना कोई टफ नहीं था, तो उनको वो बहुत पॉजिटिव थे कि वो जीतने वाले थे। बट उस दिन वो जा नहीं पाए बिकॉज उनका शो था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा, अगर मैं अवार्ड जीतता हूँ तो तुम्हें जाना है और अवार्ड मेरे बिहाफ में पिकअप करना है। अब इस टाइम पे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मैं स्कूल में थी। आई थिंक आई वॉज लाइक, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी 12 और 13 ईयर्स ओल्ड। आई वॉज वेरी स्मॉल। तो आई वॉन्टेड टू टेल यू एग्जैक्टली अबाउट दिस फिल्म फेयर अवार्ड्स, क्या क्या हुआ था अवार्ड्स फंक्शन के पहले, क्या हुआ था अवार्ड्स के दिन, क्या हुआ था, एंड वेन माई डैड वन तब क्या हुआ। This performance and comic role goes to my favorite, Johnny Lever in Deewana Mastana. ओके, तो लाइक आई सेड, दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड, राइट? एंड डैडी वॉज नॉट देयर, ही वॉज अनअवेलेबल, ही हैड अ शो इन मुंबई ओनली। तो उन्होंने मुझे बोला था कि यू गो एंड ही टोल्ड मी कि मुझे और मम्मी, हम दोनों जाने वाले थे फॉर फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स के कुछ एक दो दिन पहले, एक दिन पहले आई थिंक डैडी वॉज लाइक, बेटा यू हैव टू कलेक्ट ऑन माई बिहाफ। तो मैं वैसे ही डर गई थी बहुत ज़्यादा, आई वॉज सो स्मॉल, आई वॉज सो यंग। तो उन्होंने मुझे बोला था, अगर मैं जीतता हूँ तो तुमको क्या करना है, तुम्हें बोलना है आई थैंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर उन्होंने मुझे बोला था कि आई हैव टू थैंक लाइक 2-3 पीपल, ओके, माई फैमिली, गॉड एंड यू नो माई डायरेक्टर, ऐसा कुछ मुझे उन्होंने दो तीन बातें बोली थी। बट मुझे क्लियरली एक बात याद है कि आफ्टर थैंकिंग एवरीबडी, ही टोल्ड मी कि तुमको ये एक फिल्म थी जो महमूद जी, द लेजेंडरी कॉमेडियन महमूद जी, जो मेरे डैड के आइडल हैं, ही रियली रिस्पेक्टेड महमूद साहब, तो उनकी फिल्म एक थी जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, जिसमें उनके बेटे थे। तो उस फिल्म में एक गाना था, वो फिल्म आई डोंट थिंक इट वॉज दैट पॉपुलर, इतनी पॉपुलर नहीं थी, एंड आई थिंक वो फिल्म हिट नहीं हुई थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैं अगेन आई वॉज वेरी स्मॉल, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। उस फिल्म में ही गाना था, नशा नशा नशे में हम, धुआ धुआ है जिंदगी, यही बसी है हमारी जन्नत, यही मिले हमें खुशी। अच्छा, ये गाना डैडी को बहुत ज्यादा पसंद था, ही रियली लव्ड इट। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुमको वहां जाके ये गाना गाना है, बिकॉज ही रियली लव द सॉन्ग, एंड इट वॉज लाइक यू नो, मतलब वो इसीलिए चाहते थे कि मैं ये गाना गाऊं, बिकॉज इट वॉज लाइक ये जो यहीं मिले हमें खुशी, मतलब इंडस्ट्री की बात कर रहे थे वो, इस गाने के थ्रू इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि इस इंडस्ट्री के नशे में हम हैं और यहाँ धुआं है और ये सारी चीजें हैं
और यहीं बसी हमारी जन्नत, इंडस्ट्री में ही मिले उन्हें खुशी, तो वो ये कहना चाहते थे इस गाने के जरिए। तो उन्होंने मुझे बोला था किसी भी हाल में यू हैव टू थैंक एवरीबॉडी, ये स्पीच तुम्हें देनी है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू सिंग दिस सॉन्ग। तो उन्होंने मुझे कुछ 10 बार रिहर्स करवा था। माय गॉड, वाज सो स्कैरी। एंड ही वाज लाइक, नो बराबर से बोलो, बराबर से बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, माइक ऐसे पकड़ना, ऐसे करना, ऐसे बोलना है। तो उन्होंने मुझे इतना सिखाया था एंड आई वाज सो स्कैर्ड। और मैं बहुत डरी हुई थी कि गॉड अगर वो जीत गए तो मुझे अवार्ड लेना पड़ेगा और ये सारा कुछ बोलना पड़ेगा। तो आई वॉज लाइक इनसाइड फीलिंग कि यू नो इफ आई डोंट नो हाउ विल इट गो, एंड आई वॉज लाइक थिंकिंग कि काश यू नो कुछ हो जाए एंड आई डोंट गेट टू गो या कुछ कैंसिल हो जाए, बिकॉज यू नो इतना सब बोलना इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, मैं कभी इतने बड़े मंच पे गई नहीं थी। सो इट वॉज लाइक अ ह्यूज थिंग। नाउ आया फिल्म फेयर का दिन, राइट? तो जिस दिन फिल्म फेयर था, मैं और मम्मी रेडी हो गए। मैंने बहुत अच्छा वाला मेरा लहंगा घाघरा चोली पहना हुआ था। दैट आउटफिट मैंने मेरे चाचा की शादी में पहना था एंड इट वॉज लाइक वन ऑफ द वेरी ग्रैंड लहंगा चोली, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी क्यूट इट वॉज। तो मम्मी ने बोला था कि यू हैव टू वेयर दिस एंड मम्मी ने भी बहुत अच्छे से, शी गॉट रेडी, यू नो शी वोर अ वेरी नाइस साड़ी। और मैं और मम्मी हम चले गए तो हमारे पास कार्ड था। तो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, मेन आर्टिस्ट होते हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, अगर आप नॉमिनेटेड हैं तो आपको एक गोल्ड कार्ड, गोल्ड इन्विटेशन कार्ड मिलता है। सो मम्मी और मेरे पास वो गोल्ड इन्विटेशन कार्ड था एंड हमारी एंट्री अलग जगह से हुई थी बिकॉज ऑल द आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू एंटर फ्रॉम अ बैक स्टेज एंट्रेंस, मतलब फॉर प्राइवेसी रीजंस एंड VIP एंट्रेंस। तो मैं और मम्मी हम चले गए एंड वी वेंट फ्रॉम द बैक स्टेज एंट्रेंस। हमने गोल्ड कार्ड दिखाया। अब गोल्ड कार्ड सिर्फ एक्टर्स के पास होना चाहिए, राइट? तो दे सॉ अस एंड दे वर लाइक, मैम आपके पास, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक लिया, दे वर लाइक, मैम आपके पास गोल्ड कार्ड है, सॉरी बट आप कौन हैं, आप नहीं जा सकते। तो मम्मी इज लाइक, आई नो आई एम मिस्टर जॉन लीवर्स वाइफ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम आप नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज़ फॉर एक्टर्स, आप आगे नहीं बैठ सकते। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज दे वर मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट। एंड माई मॉम केप सेइंग कि अरे वो नॉमिनेटेड हैं, आई हैव टू गो इनसाइड। तो फिर फाइनली दे सेड हाँ हाँ ओके ओके, जॉनी जीज वाइफ एंड चाइल्ड, ठीक है आप जा सकती हैं अंदर। हम अंदर चले गए। अब सारे एक्टर्स को आगे के फर्स्ट 2-3 रोज में बिठाया जाता था बिकॉज दैट्स वेयर द कैमराज आ, तो एक्टर्स को दिखा सकते हैं अच्छी तरीके से। बट बिकॉज मेरे डैड हमारे साथ नहीं थे तो उन्होंने हमें पीछे बिठाया, लाइक मे बी लाइक 5-6 रोज बिहाइंड, जो काफ़ी पीछे हो गया था बिकॉज मंच, लाइक द स्टेज, द मेन स्टेज वॉज वेरी वेरी फार। तो अगर आप फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड रो में बैठे हो, दैट्स स्टिल क्लोज। अगर आप फिफ्थ और सिक्स रो में बैठे हो, देन इट्स लाइक वेरी वेरी पीछे। तो एनी वे मम्मी इज लाइक इट्स फाइन, हम बैठ जाते हैं जहां भी हमें बिठाया जा रहा है, इट्स ओके, डजेंट मैटर। तो मैं और मम्मी हम पीछे बैठ गए एंड फाइनली आया टाइम वेर दे अनाउंस्ड द कैटेगरी फॉर द बेस्ट कमेडियन अवार्ड। अब सारे नॉमिनेशंस अनाउंस किए। आई ऑनेस्टली अब मुझे याद नहीं है, अगर आप गूगल करोगे तो 43rd फिल्म फेयर अवार्ड्स के क्या नॉमिनेशंस हैं आपको डेफिनेटली पता चल जाएंगे, गूगल में आपको सब मिल जाएगा। और अनाउंस किया गया एंड देन दैट वाज द टाइम जहां पर उन्होंने अनाउंस किया एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर जॉनी लीवर। एंड ये अनाउंसमेंट की थी दिस साउथ इंडियन एक्ट्रेस खुशबू जी हैं, वो थी स्टेज पर, एंड रानी मुखर्जी। दीज टू ब्यूटिफुल लेडीज वर ऑन द स्टेज और उन्होंने अवार्ड अनाउंस किया दैट द विनर इज मिस्टर जॉनी लीवर। And Rani Mukherjee said, my favorite, I think she announced, my favorite Johnny Lever, one lady said. So, I got so scared, kyunki ye mera time tha, I had to go up on stage and I was so scared. Ab, now, what happened is, jab award announce hua, like I said, main bahut zyada peeche baithi hui thi. So, it was a long walk, all the way peeche se ekdam aage ki taraf aana. First row mein agar aap hain, to wahan se bhi stage kaafi dur tha. सो इमेजिन लाइक मैं बाहर, मेरे रो से मैं बाहर निकली चलती हुई एंड आई वॉज लाइक स्केर्ड, ओके मैं हिल रही थी, आई वॉज शेकिंग। धीरे 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 मैंने चलना शुरू किया। अब मुझे क्लियरली याद है कि यू नो ऑल द लाइट्स वर, जो बड़े बड़े लाइट्स थे वो ऐसे ऐसे घूम रहे थे पूरे यहाँ वहाँ, यू नो, एंड दे वर अनाउंसिंग कि मिस्टर जॉनी लीवर प्लीज कम ऑन स्टेज, मिस्टर जॉनी लीवर प्लीज कम ऑन स्टेज। उस टाइम पे you know they did not know, they couldn't see anybody ki oh they can't see Mr. John Lever anywhere, to wo log dekh rahe the and they were waiting ki kya ho raha hai. aur phir announcer ne ye bhi announce kiya ki agar koi crew member ya film se
फ्रॉम दीवाना मस्ताना फिल्म से कोई अगर है तो प्लीज़ आ जाएं आप स्टेज पर, एंड नोबडी वेंट. देन फाइनली बिकॉज मैं ऑलरेडी चलना मैंने शुरू कर दिया था, आई हैड रीच द मेन आयल जो सेंटर का पार्टीशन होता है जहाँ पर दैट इज़ लाइक द आयल टू द स्टेज राइट. आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड धीरे से स्पॉटलाइट मेरी तरफ पड़ गया बिकॉज इट केम लाइट, द लाइट जस्ट केम ऑन मी इस तरह से बिकॉज दे सॉ कि मैं अकेली बच्ची, मतलब मैं चलती हुई आ रही थी एंड दैट वॉक वॉज सो स्कैरी. वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग और सीधा स्पॉटलाइट मेरे ऊपर इस तरह से एंड आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेज एंड देन आई रिमेंबर क्लियरली कि वहाँ जो स्टेज था, आई मीन आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो स्टेज है इट वॉज लाइक अ वाइट, एकदम वाइट. और स्टेयर्स स्टेप्स जो थे विच वेंट अप टू द स्टेज वॉज ऑल्सो ब्राइट वाइट. एंड आई रिमेंबर जब मैं यू नो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, आई वॉज सो स्केर्ड, आई वॉज शेकिंग, माई लेग्स वर शेकिंग एंड आई थॉट मैं गिरूंगी पक्का गिरूंगी बिकॉज मैंने लहंगा पहना हुआ था एंड आई टू पिक अप द लहंगा एंड आई वॉज लाइक वॉकिंग सो स्केर्ड. नाउ मैं फाइनली ऊपर पहुंची एंड आई सी, और अब मेरा माई वरी वॉज लाइक आई हैव टू टेक दिस अवार्ड, तो मैं अवार्ड पहले पकड़ूँ या शेक हैंड करूँ या माइक पकड़ूँ या क्या करूँ बिकॉज आई वॉज सो कन्फ्यूज. तब तक मैं नहीं, मुझे स्पीच तो याद थी और गाना भी याद था, एवरीथिंग आई रिमेंबर्ड क्योंकि मैंने इतना रियाज किया था, लेकिन आई वॉज जस्ट स्कैर्ड कि मैं पहले क्या करूँ, यू नो आई हैव टू आस्क फॉर द माइक एंड हमने एक्सपेक्ट किया था कि माइक मुझे देंगे टू से समथिंग, बट यू नो लाइक दे व्हेन दे सॉ मी, आई डोंट थिंक इससे पहले कोई बच्चे ने, किसी बच्चे ने अवार्ड पिकअप करने के लिए यू नो दे हैड गॉन अप, आई डोंट थिंक कोई बच्चा इससे पहले गया होगा. तो दे वर ऑल्सो लाइक कन्फ्यूज कि एक बच्ची आई है, लाइक वॉट यू डू. तो यू नो आई वॉज लाइक मैं क्या, मैंने आई रिमेम्बर मैंने हाथ ऐसे किया या कुछ, यू नो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट देयर फेसेस, आई वॉज लुकिंग एंड फाइनली अवार्ड मेरे हाथ में थमा दिया एंड आई हेल्ड द फिल्म फेयर अवार्ड जो अभी भी मेरे घर में है. और वो फिल्म फेयर अवार्ड मैंने पकड़ा एंड इट वॉज सो हैवी, आई लिटरली थॉट कि मेरे हाथ से गिर जाएगा एंड आई एम होल्डिंग इट. ओके, वो ऐसे गिरता जा रहा है, ऑलमोस्ट फिसल रहा है मेरे हाथ से, लाइक इट्स लाइक वाज सो स्कैर्ड एंड देन आई एम थिंकिंग बट उन्होंने मुझे माइक नहीं दिया, हाउ एम आई गोना टॉक, व्हाट एम आई गोइंग टू डू. तो देन आई वॉज लाइक लुकिंग एट देयर फेसेस, बट देन आई थिंक द अनाउंसर सेड लेट्स गिव हर अ ह्यूज क्लैप एंड देन आई रियलाइज कि ये लोग मुझे माइक नहीं देने वाले. सो आई वॉज लाइक ओ गॉड, नाउ मैंने इतनी प्रैक्टिस की, इतना मैंने रिहर्स किया एंड देर नॉट गोना गिव मी द माइक. सो आई वॉज लाइक ऑल्सो आई वॉज स्लाइटली हैप्पी दैट आई वॉज लाइक थैंक गॉड माइक नहीं दिया, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, आई डोंट हैव टू सिंग द सॉन्ग, इट विल बी क्वाइट एम्बैरेसिंग. तो दे जस्ट लाइक यू नो क्लैप एंड आई थिंक दैट वॉज माई क्यू एंड आई अंडरस्टूड कि अभी मुझे जाना है, यहाँ पर और कुछ होने नहीं वाला है. एंड देन आई वॉक्ड बैक ऑल द वे. और जब मैं चल रही थी सब मुझे यहाँ वहाँ देख रहे थे एंड यू नो दोनों तरफ से पीपल वर जस्ट लुकिंग एट मी स्टेयरिंग बिकॉज एन दे रियलाइज दैट ओके आई एम जॉनी रिवर्स डॉटर. एंड इस वीडियो को मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, आई डिडंट थिंक ये इंटरनेट पर होगा, सो आई वॉज लाइक ये नहीं मिलने वाला, ये कोई चांस नहीं है, ये वीडियो नहीं मिलेगा. सो आई वॉज लाइक लुकिंग, आई वॉज थिंकिंग कि काश वो वीडियो मेरे हाथ लगे बिकॉज यू नो वॉट हैपेंड कि जब फिल्म फेयर अवार्ड ख़त्म हुआ, लाइक आई सेड मैंने अवार्ड लिया, आई केम बैक, मी एंड मम्मी वर क्राइंग, वी वर सो हैप्पी, वी वर क्राइंग, मम्मी वॉज क्राइंग, आई वॉज क्राइंग एंड मेरे डैड का फोन आता है एंड डैडी ने बोला कि अच्छा कैटेगरी होगी, अनाउंस हो गया एंड देन वी वर लाइक यार डैडी यू वन, वो सारा कुछ हुआ एंड डैडी सेड ओके मैं भी चलो मैं रेस्टोरेंट में मिलता हूँ, आप लोग निकल जाओ वहाँ से. एंड देन मैं और मम्मी वहाँ से निकल गए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम डिनर पे जाएंगे. और डैडी ने एक रेस्टोरेंट में डिनर रखा था जस्ट लाइक अ छोटा सा सेलिब्रेशन अपने लोगों के लिए, लाइक फैमिली हम लोग, और सिर्फ हम लोग ही थे एंड काफ़ी लेट हो गया था बिकॉज डैडी लाइक ए सेट शो में थे. तो शो खत्म हुआ, फिर अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ, तब तक आई थिंक इट वॉज लाइक 11:30-12 इन द नाइट, इट वॉज वेरी वेरी लेट. और हम लोग गोरेगांव में एक होटल होता था विच वी रियली लव, वो हमारा फेवरेट होटल था, हम लोग वहाँ मिले और एंड देन वी मेट ओवर देयर. आई रिमेंबर बहुत सारे लोग थे मेरे डैड के, बहुत लाइक क्लोज फ्रेंड्स वर देयर एंड फैमिली वॉज देयर, वी वर ऑल देयर. एंड एट दिस टाइम जब हम होटल पहुंचे, देवर वहां पर होटल में एक छोटा सा टीवी स्क्रीन था एंड देवर प्लेइंग द रिले ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड. तो फिल्म फेयर अवार्ड का टेलीकास्ट ही हो रहा था बिकॉज एट द टाइम लाइव टेलीकास्ट तो नहीं था. तो देवर शोइंग द टेलीकास्ट ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड. सो आई रिमेंबर कि मैं
यू नो लाइक आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स एंड देवर आस्किंग मी एंड देवर लाइक ए तू गई कौन कौन था एंड ऑल दैट एंड आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स और हमने टी वी की ओर टी वी को देखा एंड देन माई अंकल स्क्रीम चलो 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 फिल्म फेयर आ रहा है अम्बू इज कमिंग ऑन स्टेज बाय द वे मेरा निक नेम अम्मू है मैंने गलती से बोल दिया वेल गाइज जस्ट बी नाइस ओके मेरा मजाक मत उड़ाना सो Yeah, and then my uncle's like, "Arey, arey, she's on screen. Chalo, chalo, dekho, dekho, dekho." And then daddy and everybody, we all came to the screen and we all saw and they were all very happy. So it was a very, 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 very special moment. And then, tabhi unhone discuss ki, "Arey, tune bola nahi, arey, tune speech nahi di." And I was like, "Daddy, unhone mujhe mic diya hi nahi." And then they were like, "Oh, acha, 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 koi baat nahi, koi baat nahi." Yeah, so I was looking for this clip and finally, Filmfare ke... I think Insta और Facebook page पे ये video recently share हुआ and we all like family is I mean like अभी की बात है we all family sat together and we watched the video and I saw daddy's face जब उन्होंने video देखा they were like oh daddy is like oh you are so cute you're looking so nice this is so lovely he was amazed because वो moment उस time पे उन्होंने miss कर दिया था आई नो हमने टीवी पर देखा बट यू नो इतने सालों बाद जब हमने साथ में एज अ फैमिली वो वीडियो देखा इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड आई सॉ माई सेल्फ एज अ चाइल्ड एंड आई वॉज लाइक नॉट बैड आई लुक क्यूट एंड इवन माई ब्रदर्स टेलिंग मी अरे यू लुक क्यूट हाँ यू लुक नाइस सो स्वीट यू वर लुकिंग हाँ आई एम लुकिंग नाइस अच्छा लहंगा है अच्छा ड्रेस है सो एंड डैडी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी टू सी So I just wanted to share this little story with all of you and tell you ki exactly Filmfare 43rd Filmfare ke piche kya kahani thi and yeah what was the story behind my dad winning this award it was a really special day and I don't think I'll ever forget it it was so special and I'm so glad ki maine aap logo ke sath share kiya hai so if you like this comment and if you like such stories jo andar ki kahani hai which I will only share with you guys then let me know I will share such more stories with all of you thank you so much for following me guys I cannot thank you enough aap logon ne itne acche acche comments likhe hue hain and you know I have read all your comments and I'm just full of love I thank you so much my youtube family thank you so much for writing all these lovely comments for supporting me for supporting रियल टैलेंट जैसे आप लोग बोल रहे हैं आजकल थैंक यू सो मच आई रियली अप्रिशिएट आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव यू गाइज एंड ऑल ऑफ यू फॉलोअर्स थैंक यू यू मेक मी वॉन्ट टू वर्क हार्ड यू मेक मी वॉन्ट टू बी बेटर यू मेक मी वॉन्ट टू डू न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स जस्ट टू एंटरटेन यू सो थैंक यू बाय